हरहर महादेव आज 25 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है। ये एक मराठी फिल्म है जिसको आज इंडिया में 5 लैंग्वेज में रिलीज किया गया है, जिसमें हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी और कन्नड़। इस फिल्म को दोस्तों इंडिया में 1200 स्क्रीन में रिलीज किया गया है। बात करें इसका बजट की तो 10 से 15 करोड़ का इसका बजट रखा गया है। दोस्तों आज इंडिया में रिलीज हो चुकी है और रिलीज होते ही फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि ये फिल्म की जो कहानी है ये 350 साल पहले की शिवाजी महाराज की है, जिसमें वो 300 सैनिकों के साथ मिलकर 1200 मुगलों को हराते हैं। इस फिल्म में इसी कहानी को दर्शाया गया है। अब फिल्म का बजट कम होने के कारण ये फिल्म आराम से 1-2 दिन के अंदर अपना बजट निकाल देगी और फिल्म लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रही है, जिसके चलते ये फिल्म आराम से सुपर हिट होगी। बिकॉज फिल्म की जो कहानी है वो काफी पुराने समय की है और उसमें भी शिवाजी महाराज की कहानी है, तो फिल्म सुपर हिट होनी है। खैर बात करें हम आज के कलेक्शन की तो इसकी ओपनिंग काफी बेहतरीन तरीके से हुई है। एडवांस बुकिंग 7 लाख के आसपास हुई है। वहीं टोटली आज का इसका कलेक्शन 8 करोड़ के आसपास हुआ है, जो कि काफी बेहतरीन ओपनिंग है। अब इसके साथ साथ ही दोस्तों 2 बॉलीवुड की फिल्में और रिलीज हुई है, जिसमें से पहली है थैंको और दूसरी है राम सेतु। अब इन दोनों की बात करें तो ये दोनों ही हर हर महादेव फिल्म से पीछे, बिकॉज इन दोनों को आज पहले दिन ही इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। राम सेतु की बात करें तो राम सेतु ने आज 15 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया है, लेकिन इसका बजट काफी ज्यादा है। उस हिसाब से 20-25 करोड़ का कलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन इतना ये नहीं कर। बाकी रिव्यू तो काफी अच्छे आ रहे हैं, उस हिसाब से कल शायद इसकी बुकिंग में बढ़ोतरी हो सकती है। बाकी हम बात करें थैंक गॉड की तो थैंक गॉड की भी 12 करोड़ के आसपास ओपनिंग हुई है, पर इसका बजट 50 से 55 करोड़। उस हिसाब से शायद ये सुपर हिट हो जाएगी। इसके अलावा फिल्म की स्टोरी अगर लोगों को पसंद आई तो फिल्म ब्लॉकबस्टर होने ही वाली है। बाकी दोस्तों आप लोग को इनमें से कौन सी फिल्म पसंद है।